अभियुक्त आशीष उत्र शनि सिंह पुत्र जिलाजीत सिंह निवासी साधोडार थाना गोला जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। यथा मुकदमा संख्या 164-20 धारा 147 148 149 307 SSP गोरखपुर सुनील गुप्ता ने कोतवाली बागगांव में तैनात दीवान सेठराम चौधरी को किया सस्पेंड। बागगांव पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश शाही व तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अविनाश मल्ल व उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड मुरादाबाद के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज होने के बाद आज नया मोड़ आया। जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के विपरीत चेयरमैन वेद प्रकाश शाही उर्फ पप्पू भैया को मुकदमे में अभियुक्त बनाए जाने के मामले में दीवान सेठराम चौधरी को सस्पेंड किया। कुआनो नदी पर गोरखपुर व संत कबीर नगर के दर्जनों गांव को जोड़ने वाले पुल निर्माण हेतु किया गया सर्वे। विधायक संत प्रसाद ने कहा कि इस पुल की मांग में 20 वर्षों से कर रहा था तथा इसके लिए विधानसभा में भी मांग उठाई गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस ओर उदासीनता दिखाई। उन्होंने बताया कि बनकटा गाँव में कुआनो नदी पर बने इस पुल से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आवागमन पहले की अपेक्षा आसान हो जाएगा। इसके सर्वे में सेतु निगम के महाप्रबंधक सुनील कुमार व परियोजना निदेशक पीके पांडे सेतु निगम की बड़ी टीम के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर बनकटा के ग्राम प्रधान अरविंद सिंह, अमित प्रताप शुक्ला, मदन सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भास्कर जगदीश चौरसिया उपस्थित थे। बेलघाट के भीसियापुर निवासी 27 वर्षीय युवक ने किया आत्महत्या। थाना क्षेत्र बेलघाट के भीसियापुर निवासी वीर बहादुर पुत्र सोहन उर्मे 27 वर्ष ने रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या की। मृतक के पिता सोहन के अनुसार पुत्र वीर बहादुर शाम को भोजन के बाद सोने चला गया। उसके बाद सुबह ग्रामीणों की सूचना पर भीसियापुर ग्राम पंचायत के पश्चिम बने पंचायत भवन में पुत्र की लाश रस्सी के सहारे कुंडी से लटकती मिली, जिसके बाद उन्होंने उसकी सूचना बेलघाट पुलिस को दी। बेलघाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर टीम के लिए भेजा। बड़हलगंज में मोबाइल की दुकान में भीषण चोरी। बड़हलगंज पुलिस को दिए गए तारीफ में कस्बे के पटना चौराहा निवासी दुकानदार मिथुन मधेसिया पुत्र केशव मधेसिया ने कहा है कि चौराहे पर आयुष मोबाइल शॉप के नाम की हमारी दुकान है। महाराज चोरों ने नकद काट कर 45 स्मार्टफोन मोबाइल 10,000 नकदी आदि उठा ले गए, जिसकी कीमत लगभग 6.5 लाख है। चोर दुकान में लगा CCTV कैमरा भी तोड़ दिए हैं, जिसमें चोर गमछा से मुंह बांधे थे। खजनी क्षेत्र के सरिया तिवारी में भाजपा नेता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल के पैतृक निवास पहुंचकर गोरखपुर सदर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके परिजनों को सांत्वना दिया। सभासद ने जरूरतमंदों को बांटी राहत सामग्री। चौरी चौरा नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के वार्ड नंबर 2 की सभासद द्रौपदी देवी पत्नी रामप्रीत प्रजापति द्वारा जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। सभासद प्रतिनिधि छात्र नेता राम बचन प्रजापति लगातार ऐसे परिवारों को चिन्हित करवा रहे हैं ताकि उनकी मदद हो सके। समाज सेवी विवेक जायसवाल उर्फ डिस्को मयंक जायसवाल, वॉलंटियर पंकज कुमार गुप्ता, विशाल प्रजापति, रामजी प्रजापति, प्रिंस प्रजापति, विकेश कुमार आदि लोगों की मदद से लगातार इन परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला कोरोना संदिग्ध जांच टीम ने प्रवासियों का लिया सैंपल। गोला गोरखपुर गोला तहसील मुख्यालय पर BSAB इंटर कॉलेज पर बने ट्रांजिट केंद्र पर अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों का जिला से आए मोबाइल संदिग्ध कोरोना जांच टीम ने 22 लोगों का सैंपल जांच के लिए गुरुवार को केंद्र पर पहुंच कर लिया। इस अवसर पर केंद्र प्रभारी राजस्व निरीक्षक गोला BD त्रिपाठी, लेखपाल ओम प्रकाश यादव, नरसिंह प्रसाद, उपेंद्र कुमार, आलोक सहित अन्य राजस्व कर्मी उपस्थित रहे। गांव में सैनिटाइज कराया गया। बेलीपार थाना क्षेत्र के रुद्राय मझी गाँव में समाज सेवी राजेश शुक्ल के द्वारा आज गाँव में सैनिटाइज करा रहे हैं। हर गली मोहल्ले में सैनिटाइज किया गया है। वहीं बाहर से आए श्रमिक मजदूरों के घर में भी सैनिटाइज किया गया। गांव के लोगों का कहना है कि राजेश शुक्ल सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। इस दौरान मौजूद अखिलेश पांडे, प्रेम सागर,
रत्नेश पांडे आदि लोग मौजूद रहे। बिजली के करंट से युवक की मौत। गोला बाजार थाना क्षेत्र के सुअरस गांव में निरंजन 28 वर्षीय किसान है। बृहस्पतिवार की शाम अपने घर लगा टुल्लू पंप चालू करने गया तो उसमें करंट उतर गया और वह उसी में चिपक गया। किसी प्रकार परिवार के लोगों ने बिजली काट कर उसे हटाया, लेकिन वह गंभीर रूप से अचेत हालत में हो गया। युवक गांव पर रहकर खेती का काम करता था। थाना बेलीपार द्वारा मारपीट व गैर इरादतन हत्या के आरोप में वांछित अभियुक्त चंद्रिका प्रसाद पुत्र स्वर्गीय राम जी, राधे श्याम पुत्र स्वर्गीय राम जी, अशोक कुमार पुत्र रुदन प्रसाद निवासी जूरापुर थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एक अदद लकड़ी का डंडा आलम दत्ता यथा मुकदमा संख्या 7530 धारा 147 323 504 427 452 352 304 भादवी। चिलवा ताल थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा एसएसआई मृत्युंजय राय की देखरेख में चिलवा ताल पुलिस को कोलुआ घाट के पास कच्ची शराब निष्कर्षण की रोकथाम हेतु अभियान के तहत छापा मारकर भारी मात्रा में लहर नष्ट किया गया। अरे नहीं नहीं बहुत हमेशा रही बड़ा प्रेम के बाजार याद आई हम बात खरीद करी 8-9 मिनट बात की हमेशा बड़ा प्रेम देलन। जैसे हम चुनाव के प्रचार पहले दिन जब गोरखपुर गाड़ी में आके बैठी लोगन के लगल हुई का ये सब, लेकिन कुछ नहीं तुरंत इसी इतना सच्चा ब्राह्मण मन में कुछ नहीं आईना और गाड़ी में चढ़ गई ना। उसके बाद आशीर्वाद आशीर्वाद ऐसे भी हर मंच पर रहा चुका हुआ अब वो ही नहीं कि रनिंग कटौती कहना हमेशा हमारे साथ कटल रहना और इतना काम रहे।